नमस्कार, मैं पवन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं खबरें अब तक में। खबरें अब तक में आज बात होगी पीएम मोदी के सिंगापुर दौरे की। बुलडोजर को लेकर अखिलेश योगी में चल रहे घमासान की और बानाइट के लिए राहुल गांधी के किए गए बड़े ऐलान की, साथ ही आज की उन सभी मुख्य घटनाओं पर बात करेंगे विस्तार से। लेकिन इससे पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। त्रिपुरा में शांति समझौते पर लगी मोहर, अमित शाह की मौजूदगी में NLFT और ATTF ने किया साइन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में बुधवार को भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स के प्रतिनिधियों ने त्रिपुरा शांति समझौते के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। राहुल गांधी की दरियादिली, वायनाड में भूस्खलन पीड़ितों के लिए किया एक माह का वेतन दान। वायनाड के भूस्खलन पीड़ितों के लिए कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बड़ा कदम उठाया है। राहुल गांधी ने दरियादिली दिखाते हुए अपने एक महीने का वेतन पीड़ितों की मदद के लिए दान दे दिया है। राहुल गांधी ने एक महीने की सैलरी यानी 2.3 लाख की मदद राशि केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के खाते में दान दी है। पीएम मोदी पहुंचे सिंगापुर, बजाया ढोल, बंधवाई राखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सिंगापुर पहुंचे, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। अपने इस दौरे के दौरान पीएम मोदी सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग और राष्ट्रपति थर्मन शनमुगरत्नम से मुलाकात की। अलग पार्टी बनाकर बुलडोजर, चुनाव चिन्ह के साथ चुनाव लड़िए, सीएम योगी पर अखिलेश का तंज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रयागराज में माफियाओं को चेतावनी दी तो विपक्ष पर भी हमला किया। इस पर अब अखिलेश यादव ने पलटवार किया है। उन्होंने एक्स पर ट्वीट कर कहा कि अगर आप और आपका बुलडोजर इतना ही सफल है तो अलग पार्टी बनाकर बुलडोजर चुनाव चिन्ह लेकर चुनाव लड़ जाइए। आईटी व बैंकिंग शेयरों में कमजोरी, सेंसेक्स 203 अंक फिसला, निफ्टी 25,200 से नीचे पहुंचा। घरेलू शेयर बाजार बुधवार को लाल निशान पर बंद हुए। सेंसेक्स 202 अंक टूटकर 82,352 के स्तर पर बंद हुआ। दूसरी ओर निफ्टी 81 अंक फिसल कर 25,198 पर पहुंच गया। तो ये तो थी हेडलाइंस। आगे बढ़ने से पहले आज के वायरल वीडियो से आपको रूबरू करवा देते हैं, जो सोशल मीडिया पर आज चर्चा का विषय बना हुआ है। कहते हैं देश में भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या बन गई है। तमाम राज्यों में भ्रष्टाचार और लाल फीता शाही की समस्याओं से लोग जूझते नजर आ रहे हैं। अपनी शिकायतों से निपटारे नहीं होने के कारण लोग तरह तरह से विरोध करते नजर आते हैं। ऐसा ही एक विरोध मध्य प्रदेश के नीमच कलेक्टर कार्यालय में देखने को मिला। जी हां, सोशल मीडिया पर मध्य प्रदेश का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स जमीन पर घसीटते हुए पांव में कागजातों के हजारों पन्नों की माला पहने हुए कलेक्टर कार्यालय में पहुंचा, जहां लोग उसे देखकर हैरत में पड़ गए। पूरा मामला क्या है वो भी आइए आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आइए आपको दिखाते हैं वायरल वीडियो। हाँ, ये ले आया ना, रुको एक मिनट, एक मिनट मैं दूंगा इसको, मालूम नहीं आज के आवेदन कॉपी चाहिए। आज के मैं देश के लिए कर रहा हूँ, उसमें निजी स्वार्थ नहीं है मेरा। भ्रष्टाचार होता है तो देश के लिए अगर कर रहा हूँ मैं, एक और जनता के खजाने में जाएगा, मेरा क्या स्वार्थ है इसमें। सारी जाली फोटो है, ये जाली फोटो भेज दिया इन्होंने। हाँ, ये जाली फोटो है, ये जाली फोटो है इनके। मैंने शिकायत कहाँ की, इन फोटो कहाँ के भेजे, इतने बदमाश है। फिर तो लोग से फाइल लेके आया मैं, तब मालूम पड़ा मेरे को कि लोग इतने गिरे हुए हैं। आपको बता दें, पिछले 7 साल से मुकेश प्रजापति नाम का शख्स जिला अधिकारी कार्यालय और तहसील कार्यालय के चक्कर काट काट कर थक गया था।
हर बार उसे कागज मांगे जाते थे और नया भरोसा दिया जाता था। मुकेश प्रजापति का आरोप है कि जन सुनवाई में दर्जनों बार उन्होंने शिकायत का आवेदन दिया, जिला अधिकारी बदल गए लेकिन उनकी शिकायत दूर नहीं हुई, जिससे आहत होकर भोपाल से 400 किलोमीटर दूर नीमच में जिला अधिकारी के ऑफिस पर जमीन पर रेंगते हुए पहुंचे और सिर पर चप्पल रख ली और मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाने लगे। ये वीडियो जाहिर करता है कि मध्य प्रदेश में लोगों को न्याय मिलता कितना कठिन, या यूं कहें न्याय मिलना कितना कठिन है, वो भी जब तब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। फिलहाल खबरें अब तक में रुख करेंगे अगली और पहली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बुर्नेई के बाद सिंगापुर पहुंचे। पीएम मोदी 6 साल बाद सिंगापुर पहुंचे हैं। उनका ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब सिंगापुर में सरकार बदल गई है और लॉरेंस वॉन ने प्रधानमंत्री पद की कमान संभाल ली है। वहीं सिंगापुर पहुंचने पर भारतीय समुदाय ने उनका भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी का यहां कुछ अलग अंदाज में नजर आए, या यूं कहें कि उनका सम्मान कुछ अलग अंदाज में किया गया और पीएम मोदी को अगर देखा जाए तो वो भी एक नए अंदाज में नजर आए। वे महाराष्ट्र में रंग में दिखाई दिए, उन्होंने यहां जमकर ढोल बजाया। आपको बता दें पीएम मोदी का सिंगापुर का ये दौरा भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए जरूरी है। इससे पहले पीएम मोदी ने ब्रुनोई के प्रधानमंत्री और सुल्तान हाजी हसनल से मुलाकात की थी। वहीं पीएम मोदी जैसे ही सिंगापुर के अपने होटल पहुंचे, वहां पीएम ने लोगों को ऑटोग्राफ भी दिए। भारतीय मूल की महिलाओं ने पीएम मोदी को राखी भी बांधी। इस दौरान लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिला। पीएम मोदी की एक झलक देखने के लिए बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग वहां पहुंचे थे और हाथ मिलाने की होड़ दिखाई दी लोगों में। इस दौरे के दौरान पीएम मोदी सिंगापुर के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मुलाकात के साथ ही बिजनेस लीडर से भी मुलाकात करेंगे। आपको बता दें मौजूदा समय में भारत का पूरा जोर एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर है। भारत ने इस पॉलिसी की शुरुआत नवंबर 2014 में बार में आसियान भारत शिखर समिट के दौरान शुरू की थी। इस पॉलिसी का उद्देश्य हिंद महासागर में बढ़ रही समुद्री क्षमता का मुकाबला करना और साउथ चाइना और हिंद महासागर में रणनीतिक साझेदारी का निर्माण करना है। जाहिर है सिंगापुर आसियान देशों में भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। व्यापार और निवेश के लिहाज से प्रधानमंत्री का सिंगापुर का दौरा बहुत अहम है। सिंगापुर दुनिया में भारत का 6ठा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। भारत में आने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का एक बड़ा स्रोत सिंगापुर है। सिंगापुर की बेसिक सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में अहम भूमिका है। इस क्षेत्र में सिंगापुर का 20 से अधिक सालों का अनुभव है। ऐसे में भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत पीएम मोदी के ब्रुनोई और सिंगापुर के दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। खैर चलिए इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर एक्शन को लेकर बवाल मचा हुआ है, तो वहीं अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच बुलडोजर को लेकर जुबानी जंग छिड़ गई है। जहां सबसे पहले सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बुलडोजर को लेकर सीएम योगी पर तंज कसते हुए कहा कि 2027 में सपा की सरकार बनने के बाद प्रदेश की सभी बुलडोजरों का रुख गोरखपुर की तरफ हो जाएगा, जिस पर सीएम योगी ने पलटवार किया और कहा कि बुलडोजर पर हर एक व्यक्ति का हाथ सेट नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि दंगाइयों के आगे नरमस्तक होने वाले लोग ये नहीं कर सकते, अखिलेश यादव ये जानते हैं। वहीं अब अखिलेश यादव ने सीएम योगी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि बुलडोजर में दिमाग नहीं स्टेयरिंग होती है। अब स्टेयरिंग कब दिल्ली बाले या जनता खींच ले जाएगी, इसके बारे में कहना मुश्किल है। सपा मुखिया ने कहा कि उनका बीपी बढ़ गया है, अब दिल्ली जाकर बैठें। सीएम के इस बयान पर अखिलेश ने कहा कि लोगों को नीचा दिखाने के चक्कर में उन्होंने बुलडोजर चलवा दिया, ये लोग असंवैधानिक काम करते हैं, क्या सरकार बुलडोजर के लिए माफी मांगेगी। वहीं सीएम योगी के 2017 से पहले टूटने वाले बयान पर अखिलेश ने कहा कि जो माफिया की बात है, रिकॉर्ड उठाकर देख लें माफिया कौन है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए हैं।
राज्य सरकार द्वारा आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने के मामले पर बीते दिन सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई और कई सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि कोई भी आरोपी अगर दोषी भी साबित होता है तो भी उसके घर पर बुलडोजर चलाना किसी भी तरह से जायज नहीं है, जिसके बाद से बुलडोजर को लेकर सियासत गर्मा गई उत्तर प्रदेश में। खैर, बढ़ते हैं इसी के साथ अगली खबर की ओर। राहुल गांधी इन दिनों अपनी एक अलग छवि बनाते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों के बीच जाना, उनके साथ बैठना, खाना खाना, फोटो खिंचवाना, ये सब मानो उनके लिए आम बात हो गई है। हर दूसरे दिन उनकी ऐसी ही कोई ना कोई तस्वीर वायरल हो जाती है और कहीं ना कहीं उनका ये रवैया लोगों को पसंद भी आ रहा है। जहां वो अपनी पहचान खो चुके थे, वहां वो एक बार फिर हीरो बनकर उभर रहे हैं। इसी बीच वायनाड के भूस्खलन पीड़ितों के बीच कांग्रेस सांसद, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बड़ा कदम उठाया है। जी हां, राहुल गांधी ने दरियादिली दिखाते हुए अपने एक महीने का वेतन पीड़ितों की मदद के लिए दान दे दिया है। राहुल गांधी ने एक महीने की सैलरी यानी कि 2,30,000 रुपए की मदद राशि केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के खाते में दान की है। इस बात की जानकारी राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए दी है। राहुल गांधी ने लिखा है, इस संकट की घड़ी में उन्होंने भारी नुकसान झेला है, उनको हमारे जैसे लोगों की मदद की सख्त दरकार है। वायनाड के पीड़ितों को नुकसान से उभरने के लिए हमारे समर्थन की जरूरत है। मैंने प्रभावित लोगों की राहत और पुनर्वास के प्रयासों में मदद के लिए अपने पूरे महीने का वेतन दान कर दिया है। आपको बता दें, केरल के वायनाड में पिछले 30 जुलाई को एक बड़ा भूस्खलन आया जिससे भारी तबाही मची। इस हादसे में 200 लोगों की मौत हो गई थी, कई लोग लापता हो गए थे। भूस्खलन के बाद यहां के कुछ गांव बुरी तरह से प्रभावित हुए थे, जिसके बाद राहुल गांधी ने त्रासदी में बेघर हुए लोगों के लिए 100 घर बनवाने का वायदा किया है और लगातार वहां जाकर लोगों का हालचाल जान रहे हैं। फिलहाल इन खबरों के अलावा एक नज़र आज की उन खबरों पर भी डाल लेते हैं जो पूरे दिन चर्चा का विषय बनी रहीं। भारत के एथलीट ने पेरिस पैरा ओलंपिक में इतिहास रच दिया है। अब तक किसी भी पैरा ओलंपिक में भारत ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। भारत पेरिस पैरा ओलंपिक में अब तक 3 गोल्ड, 7 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज मेडल के साथ 20 मेडल जीत चुका है। वहीं त्रिपुरा शांति समझौते की प्रक्रिया केंद्र NLFT और ATTF के बीच समझौता हुआ है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों की तरफ से तैयारी जारी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बुधवार को जम्मू कश्मीर पहुंचे। कांग्रेस नेता ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला, साथ ही जनता से वायदा किया कि वो जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड को वापस दिलवाएंगे। वहीं मणिपुर में पुलिस और आर्मी का ज्वाइंट ऑपरेशन चला, जिसमें सेना तथा अन्य अर्धसैनिक बलों के अभियान में मणिपुर राज्य के अलग अलग स्थानों से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद की गई। वहीं बीजेपी की सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ हिमाचल प्रदेश के मंत्री और कांग्रेस नेता जगत नेगी ने विवादित टिप्पणी की है। कांग्रेस नेता जगत नेगी ने कहा है कि कंगना रनौत ने हिमाचल की मंडी कुल्लू में आई बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा तब किया था जब सब कुछ शांत हो गया था, क्योंकि बारिश के बीच उनको आना ही नहीं था। अगर वो आती तो उनका मेकअप धुल जाता, फिर लोग उन्हें कैसे पहचानते। ये टिप्पणी वाकई में सोचने वाली है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, जहां कोर्ट में फिलहाल सुनवाई टल गई है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 9 सितंबर को होगी। वहीं दिल्ली नगर निगम की दिल्ली वार्ड समिति के लिए चुनाव हो रहे हैं। इसी बीच बताया जा रहा है कि केशवपुरम जोन से भारतीय जनता पार्टी के सभी उम्मीदवारों ने निर्विरोध जीत हासिल की है। वहीं आज भारतीय पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से मुलाकात की। दोनों पहलवानों और राहुल के बीच मुलाकात की तस्वीरें सामने आईं, जिसके बाद अब कयास लगाए जा रहे हैं कि विनेश फोगाट कांग्रेस के टिकट पर हरियाणा विधानसभा से चुनाव लड़ सकती हैं। वहीं ममता सरकार में मंत्री चंद्रनाथ सिन्हा बुधवार को ईडी कार्यालय पहुंचे। मंत्री चंद्रनाथ सिंह को कथित शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच के सिलसिले में पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय में बुलाया गया था। तो ये तो थी आज की वो खबरें जो पूरे दिन सुर्खियों का विषय बनी रहीं। लेकिन जाते जाते आपसे एक और अहम मुद्दे पर बात कर लेते हैं।
कहते हैं पश्चिम बंगाल शक्ति पूजक समाज है, यानी कि पश्चिम बंगाल में महिलाओं का विशेष सम्मान होना चाहिए। बंगाल में महिलाओं का सम्मान की कैसी परंपरा है, इसे समझने के लिए दुर्गा पूजा के विधान को समझना चाहिए। जहां मूर्ति बनाने के लिए उन वैश्याओं के घर से पहली मिट्टी लाई जाती है जिन्हें आम तौर पर समाज गंदा मानता है। बंगाल की धरती कैसी नारी पूजक रही है, किस तरह वह नारियों का सम्मान कर रही है, इसके उदाहरण आज़ादी के आंदोलन के इतिहास में मिलते हैं। ऐसे में उस बंगाल में कभी महिलाओं के साथ बदसलूकी की कल्पना तक नहीं की जाती थी, वहां अब हालात कैसे बदल गए हैं, इसका अंदाज़ा कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में हुए महिला ट्रेनी डॉक्टर से रेप और निर्मम हत्या से लगाया जा सकता है। जब पूरा देश अपनी आज़ादी की 78वीं सालगिरह के जश्न में थककर 15 अगस्त की रात तक मीठी नींद ले रहा था, तब आरजी कर अस्पताल में जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर की बर्बरतापूर्वक रेप के बाद हत्या कर दी गई। बंगाल में देर रात तक दफ्तर से लौटने वाली लड़कियों की कभी घरवाले चिंता तक नहीं करते, अब वे परेशान हो उठे हैं। बंगाल के लोग अपनी बच्चियों के लिए चिंतित हो उठे हैं। बंगाल की धरती पर शायद ही ये पहली घटना हो जिसमें किसी महिला के साथ ऐसी बर्बरता की गई हो। इससे लोगों का क्रोध उभरता जा रहा है और क्रोध आना भी स्वाभाविक है। दिलचस्प यह है कि पश्चिम बंगाल इकलौता ऐसा राज्य नहीं जहां की मुखिया खुद एक महिला है। महिला के राज्य में किसी महिला के साथ ऐसा दुराचार लोगों के गले आसानी से नहीं उतर रहा है, इसीलिए बंगाल इन दिनों खोल रहा है। बंगाल की चुनिंदा बुद्धिजीवियों को छोड़ दें तो समूचा बौद्धिक समाज सड़कों पर उतर आया है। बंगाल के बारे में कहा जा रहा है कि बंगाल जो आज सोचता है वैसी सोच भविष्य में दूसरे राज्यों की होती है, लेकिन बलात्कार और बढ़ती अपराध की घटनाओं को लेकर नहीं कह सकते कि बंगाल से बाकी राज्यों को कुछ सीखना चाहिए। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक आप मुझे दीजिए इजाजत और जाते जाते हम आपको छोड़ जाते हैं आज के सुविचार के साथ। पूरा जीवन एक अनुभव है, आप जितने अधिक प्रयोग करते हैं उतने ही बेहतर बनते हैं।